हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक गुरु। दोस्तों, ये थिंकेबल ट्यूटोरियल का ट्यूटोरियल नंबर 4 है। इसमें मैं आपको बताऊंगा ऐप आप अपने लिए कोई जोक एसएमएस ऐप बना सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको बनाना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ से हम एक न्यू ऐप करते हैं, इसमें हम नाम दे देते हैं जोक्स। ओके करते हैं। ये देखिए क्रिएट हो गया। अब इस पर हम क्लिक करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि हमारा ये स्क्रीन ओपन हो गया है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, यहाँ से अगर ये आपको रखना है स्क्रीन वन, तो ये रखिए, या तो रीनेम कर दीजिए, नहीं तो आप इसको टाइटल विजिबल ये हटा दीजिए। दोस्तों यहाँ से हम बैकग्राउंड इमेज नहीं, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये हमने ले लिया बैकग्राउंड कलर। अब दोस्तों हमें ऐप बनाना है, तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे फनी जोक्स हो गए, हिंदी जोक्स हो गए, शायरी हो गई, कई कैटेगरी होती है, गुड मॉर्निंग एसएमएस, गुड नाइट मैसेज, ये बहुत सारे होते हैं। तो आप जो भी बनाना चाहें उस तरीके का बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम पहले एक बटन लेंगे, एक और बटन लेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हॉरिजॉन्टल लेंगे, यहाँ ऊपर रख देंगे। हमें इसे यहाँ ऊपर से स्पेसिंग चाहिए, तो हमने इसको ऊपर रख दिया। और फिर एक और लेंगे इस बटन के, सॉरी इसे हमें बाहर निकालना है। इस बटन के बीच में रख देते हैं हम। चलिए बटन का कलर और नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको हम कलर दे देते हैं ग्रीन, इसका फॉन्ट साइज 25 कर देते हैं, टेक्स्ट कलर हम इसका वाइट कर देते हैं। इसकी हाइट और विड्थ भी हम बढ़ा लेते हैं। हाइट इसकी हम कर लेते हैं 15% कर लेते हैं हाइट, और विड्थ हम कर लेते हैं फिल पेरेंट्स कर लेते हैं, फिल नहीं, इसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं 80%। ये देखिए अब सही लग रहा है। ऐसे ये दूसरा बटन है, इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं फनी जोक्स। तो दोस्तों ये हमने इसका नाम दे दिया, सॉरी ये पहले दूसरे बटन का नाम हो गया, ये नाम हमें पहले बटन पे देना है। यहाँ से आपको नाम चेंज कर लेना है। ये हो गया फनी जोक्स। और ये दूसरे बटन पर हम जाते हैं, इसका नाम हम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं गुड मॉर्निंग एसएमएस। ये देखिए आ गया, इसका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं 25, हाइट इसकी हम कर लेते हैं 15%, विड्थ इसकी हम कर लेते हैं 80%। ये देखिए बैकग्राउंड कलर इसका हम चेंज कर लेते हैं, चलिए इसका कलर हम ये ले लेते हैं, और इसका जो है टेक्स्ट कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए दो बटन बन गए दोस्तों। अब हमें क्या कराना है, हमें इस बटन के क्लिक पे एक नया स्क्रीन ओपन कराना है, और उसमें हम अपना जो है जोक्स हमें कैसे दिखाना है वो चीज़ सीखेंगे उसमें हम। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम स्क्रीन ऐड कर लेते हैं, एक स्क्रीन टू,
ये स्क्रीन टू ऐड हो गई, टाइटल इन विजिबल को हटा देते हैं हम। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। और दोस्तों यहाँ से हम जाएंगे लेआउट में, हॉरिजेंटल अरेंजमेंट लेंगे, इसकी हम हाइट सेट कर लेंगे 5% ये। अब यहाँ से हम जाएंगे यूजर इंटरफेस में, यहाँ से एक लेबल लेंगे, इस लेबल की हाइट और विड्थ, फॉन्ट साइज इसका हम 25-20 रख लेते हैं, इसकी हाइट को हम ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं, नहीं इसको हम फिल टू पैरेंट कर लेते हैं हाइट को। और इसकी विड्थ को भी फिल टू पैरेंट, विड्थ को हम इसकी 90% कर लेते हैं, ये देखिए। और इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं वाइट में। अब दोस्तों इसमें हमें अपना जो है जोक है वो लिखना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसमें अपना जोक, जो भी हमें जोक का डालना होगा वो यहाँ कॉपी करके ले आएंगे और यहाँ पे इसे पुट कर देंगे। तो मैंने पहले से कुछ जोक्स यहाँ कॉपी कर रखे हैं, तो मैं ये उठा के ले जाता हूँ और यहाँ पे ये लेबल जो टेक्स्ट आ रहा है इसमें पुट कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया ये। और देखिए ये पूरा हो रहा है, इसकी हम हाइट ऑटोमेटिक नहीं, फिल पेरेंट्स है, ये देखिए जो को आ गया। अगर इसकी फॉन्ट साइज और बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं तो टेक्स्ट को आप सेंटर में कर लीजिए, ये देखिए सेंटर में आ गया। और एक हम बटन लेते हैं यहाँ पे, एक बटन ले लेते हैं और इस बटन का कलर चेंज कर लेते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं नेक्स्ट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जोक आएगा, इसलिए इसका नाम हमने दे दिया नेक्स्ट। इसकी हाइट हम सेट कर लेते हैं, टेन परसेंट ले लेते हैं हाइट। और इसकी विड्थ को हम ले लेते हैं 80%। ये हमारा बटन हो गया। चलिए बटन का कलर हम कुछ बैकग्राउंड कलर कुछ और ले लेते हैं, ये देखिए हमारा बटन हो गया, ये हमारा जॉक हो गया। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो दूसरा खुलेगा, तो यहाँ पे हम दूसरा स्क्रीन ओपन करेंगे। तो उसके लिए पहले हम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस बटन की क्लिक पे कैसे फंक्शनिंग करानी है, वो आपको मैंने बताया था वो ब्लॉक्स में जाके हमें करना होगा। तो एक स्क्रीन और ऐड कर लेते हैं हम और सेम प्रोसेस हम उस पर करेंगे। स्क्रीन हमारी ओपन हो गई, यहाँ से हम कलर चेंज कर लेते हैं स्क्रीन का, ये स्क्रीन चेंज हो गई। यहाँ हम आते हैं लेआउट में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेते हैं, इसकी हाइट को 5% रखते हैं, लेआउट यूजर इंटरफेस में लेबल लेते हैं, इसकी फॉन्ट साइज रखते हैं 25, बैकग्राउंड कलर कुछ नहीं रखना है, हाइट हमें रखनी है इसकी, फिल पेरेंट्स रखना है हाइट, विड्थ को हमें रखनी है 90%, टेक्स्ट कलर को हमें रखना है वाइट, और दोस्तों हमें यहाँ क्या करना है, अपना एक दूसरा जोक ले आके पेस्ट करना है यहाँ। तो हमने ये कॉपी किया और ये आया यहाँ पे और इस टेक्स्ट में पेस्ट कर दिया, तो ये आ गया जोक आपका यहाँ।
एक बटन हम और लेंगे, ये बटन यहाँ रख दिया, इसका कलर चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, इसका हाइट चेंज कर लेंगे, इसका विड्थ सेट कर लेंगे, बटन का टेक्स्ट कलर चेंज कर लेंगे। अब दोस्तों ये देखिए इतना हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जाना है, स्क्रीन वन पे जाएंगे हम, ब्लॉक में कोडिंग किसकी करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फनी जोक्स पे कोडिंग करना है कि इसके क्लिक पे ये इसका जो जोक वाला पेज है वो ओपन हो जाए। तो हम जाते हैं ब्लॉक में, अब हम यहाँ आते हैं बटन वन के क्लिक पे, ये लेंगे व्हेन बटन वन क्लिक, फिर उसके बाद जाएंगे कंट्रोल में। कंट्रोल में आपको यहाँ ये उठाना है, ओपन अनदर स्क्रीन नेम, और उसके बाद फिर टेक्स्ट में जाना है, ये आपको एक ब्लैंक लेना है और इसमें स्क्रीन का नाम लिख देना है आपको, स्क्रीन टू। ये हमारा स्क्रीन वन खुला हुआ है, ये स्क्रीन इसके क्लिक पे हमें स्क्रीन टू पे भेजना है। तो ये हो गई हमारी कोडिंग। और फिर उसके बाद हमें कहाँ जाना है, स्क्रीन टू पे जाना है। स्क्रीन टू पे जो ये आपका बटन है, इस बटन के क्लिक पे आपको नेक्स्ट वाले जॉब पे जाना है। तो इस पे हम क्या करेंगे, ये उठा लेंगे, जब बटन वन क्लिक होगा तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ भी सेम चीज़ हमें करना है, अनदर स्क्रीन ओपन, और यहाँ से एक हम ब्लैंक लेंगे, इसको यहाँ लगाएंगे और स्क्रीन का नाम दे देंगे स्क्रीन थ्री। ये देखिए स्क्रीन थ्री हो गया, जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे स्क्रीन थ्री पे आ जाएगा। ठीक, हम डिजाइनिंग में चलते हैं, डिजाइनर में, और यहाँ पे देखिए हमारा स्क्रीन टू है, स्क्रीन थ्री है। अब देखिए, अब इसके क्लिक पे हमने इसके आगे भी नहीं बनाया है, अब हम इसे पिछले वाले जो जोक है उस पर जाना है। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, बैक, इस बटन पे हम दे देंगे बैक का, कि इसके क्लिक पे वो बैक चला जाए। तो हमें इसके बटन पे क्या करना है, जो थ्री पे है, तो इसके हम जो ये बटन है इसके क्लिक पे क्या करेंगे, स्क्रीन टू पे जाएंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ हम करेंगे, वही ये लिया हमने, इसके बाद आपको ये लेना है, इसके बाद इसमें दे देना आपको स्क्रीन टू, जैसे ही आप बैक करेंगे स्क्रीन टू पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको अपने सिस्टम में एक्सपोर्ट करता हूँ, ये मैं आपको अपने सिस्टम में रन करके, ये मैं अपने कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर मैं इसको आपको अपने फ़ोन में डाल के मैं आपको अभी चेक कराऊँगा कि कैसे ये वर्क कर रहा है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं अपने मोबाइल में मैंने अपने ये ऐप इंस्टॉल कर लिया है। तो ये आप देख रहे हैं, दो बटन जो मैंने बनाए थे, फनी जोक्स और गुड मॉर्निंग एसएमएस, ये दो बटन हैं। तो मैंने फनी जोक्स पे जो फंक्शनलिटी कराई थी, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए आपका जो मैंने पहला जोक लिखा था बनाया था वो पेज आ गया, स्क्रीन वन आ गई और इस पर ये जोक लिखा हुआ है इस पर। अब जैसे ही मैं इसके नीचे आप देख रहे हैं, ये नेक्स्ट का बटन है, इस नेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा दूसरा आ जाएगा, ये देखिए उसके अगले वाला जोक आ गया जो मैंने नेक्स्ट स्क्रीन पे लिखी थी, और उसके नीचे मैंने ये बैक का बटन दिया है। अगर मैं इस बैक पे क्लिक करूँगा तो जैसे ही क्लिक करूँगा आप ये पिछले वाले जो जिस पेज से आप गए थे, जिस स्क्रीन से आप गए थे उसी पे वापस आ गए। तो ये आप बटन का यूज कर कर करके एक से दूसरे जोक पे जा सकते हैं नेक्स्ट। इसके अगर आपने और सारी जोक लिख रखी हैं तो आप वहाँ से नेक्स्ट और प्रीवियस नेक्स्ट बैक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आपका कोई क्वेश्चन है या कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसमें आपका सलूशन दूंगा। उसके लिए मैं आपको जो भी आपको कन्फ्यूजन होगी मैं उसे दूर करूंगा, उसका सलूशन दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।